हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने दो पार्ट्स कवर किए थे, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड क्रेमर्स रूल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व टू इक्वेशंस यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सो आई विल टेक वन ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 2, विल सॉल्व द फर्स्ट सम। x plus y is equals to 6 and x minus y is equals to 4. ओके, ये दो सम से हमको इसको सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर इक्वेशंस फॉर बोथ द सम। हमको दोनों सम इक्वेशन गिवन है, हमको दोनों सम्स के लिए तीन तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है फॉर x एंड फॉर y। अब सपोज फॉर फर्स्ट इक्वेशन, सो आई जस्ट राइट द वैल्यूज x, आई जस्ट राइट द टर्म्स x, y and x comma y. अब ये जो टेबल है, ये टेबल हमको पूरा फिल करना है एंड मिनिमम वी हैव टू फाइंड 3 वैल्यूज। ओके, x एंड y की हमको मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमको इसमें x या y, हमको किसी की भी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमको अज्यूम करनी पड़ेगी। सो लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू में 1 अज्यूम कर रहा हूं। हम तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, 0 अज्यूम कर सकते हो, नेगेटिव में अज्यूम कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम किया है पहले, तो x की जगह पे क्या आएगा, 1। सो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर y क्या हो गया, प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो -1, सो विच बिकम्स 5। दैट मीन्स जब हमने x को 1 अज्यूम किया है, y कितना मिल रहा है हमको, 5। तो फर्स्ट नंबर्स क्या हो गए हमारे 1,5। ओके, तो सिमिलरली सेकेंड आई विल अज्यूम, जैसे हमने x को अज्यूम किया था वैसे ही y को भी अज्यूम कर सकते हैं। सो लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 2। अभी मैं y को 2 अज्यूम करता हूं। सो x प्लस 2, y की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6, सो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू क्या हमने अज्यूम की थी, 2। सो x कॉमा y क्या मिला है हमको, 4,2। हमेशा हम पहले x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं लास्ट में। लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 3, सो 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो y की वैल्यू हमको 3 मिली है, जब x की वैल्यू भी कितनी थी, 3। x कॉमा y हमको कितना मिला है, 3,3। ये हमने अब सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 के लिए सॉल्व किया है। सिमिलरली विल सॉल्व इट फॉर इक्वेशन नंबर 2 एज वेल। सो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था, सेम टेबल हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। x, y एंड x कॉमा y, हमको मिनिमम 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी रहती है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड 3 वैल्यूज फॉर दिस इक्वेशन एज वेल। अब इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था, हम सेम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू अज्यूम करेंगे and then we'll find the other term. So let us take y is equals to 1. मैंने y की जगह पे क्या लिया है, 1 for second equation। अब first equation solve कर लिया है हमने, अब for second equation, so let us take y is equals to 1. So x minus 1, minus sign as it is रहेगी, is equals to 4. So x is equals to -1 यहाँ पे आएगा तो +1, so 4 + 1, x is equals to 5. So when x is 5, y is 1. तो ये कितना मिला हमको, 5,1। अब सेकेंड वैल्यू के लिए लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 2। x को मैं 2 अज्यूम करता हूं, सो x की जगह पे क्या आएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस माइनस वाई रिमेन्स एज इट इज, +2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू -2। So when the value of x is 2, the value of y is -2. So 2,-2. And third value is, let us take y is equals to 2. अब मैं y को 2 assume करता हूँ, so that means x minus 2 is equals to 4. So x is equals to 4 minus 2 यहाँ पे आएगा तो +2. So x is equals to 6. So when the value of x is 6, the value of y is 2. 6,2. अब हमने जो दोनों इक्वेशंस पे से 3 वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, नाउ विल प्रिपेयर अ ग्राफ बेस्ड ऑन दोस वैल्यूज। ओके। ओके सो इक्वेशन 1 के लिए हमको ये सब वैल्यूज मिली थी एंड इक्वेशन 2 के लिए हमको ये सारी वैल्यूज मिली थी। अब हमको सिर्फ इस वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके ये जो पूरी वैल्यूज मिली है हमको हमको इन सबको अभी ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो फर्स्टली ग्राफ ड्रॉ करते टाइम एज वी ऑल नो कि हम क्वाड्रेंट वाइज ड्रॉ करते हैं, तो सेंट्रल में इट विल बी 0, ऑन द अपर स्केल इट विल बी पॉजिटिव टर्म्स, लोअर स्केल पे नेगेटिव टर्म्स। On the right hand side again positive terms, and on the left hand side negative terms. Okay, सब terms हमने जो भी थे सब numbers हमने लिख दिए हैं। Now this is x axis and this is y axis, दोनों axis plot कर दिए। अब first term क्या है 1,5। So 1 is for x axis and 5 is for y axis. So 1,5 ये कहीं पे तो यहाँ पे आएगा, okay, x पे 1 and y पे 5. Second is 4,2, so x पे 2 and y पे, x पे 4 and y पे it will be 2, so somewhat here. And third one is 3,3, so x पे 3 and y पे भी 3, so it will be somewhere over here. Okay, अब जो भी 3 points हमको मिले हैं we have to draw a straight line. अगर हम चेक करेंगे so all these three points will be collinear, मतलब ये तीनों points एक ही line में होंगे, okay? Means इनसे एक straight line जो है वो pass होगी। अब ये जो है ये हमने first equation के लिए draw किया है, x plus y is equals to 6, so वो equation लिख देता हूँ मैं, x plus y is equals to 6. Now I'll plot for second graph and the coordinates of those points. So this one was 1,5, then this one was 3,3. And this is 4,2. Okay, individual coordinates भी लिख दिए and वो equation भी लिख दिया line का। अब second one 5 and 1, so x पे 5 and y पे 1, it will be somewhere over here. Then 2 and -2, so 2 and -2 यहाँ पे plot होगा वो, and then 6 and 2, so 6 and 2 will be somewhere over here. So अगर हम इनसे भी try करेंगे तो एक straight line pass होगी, that means all these three points will be collinear. ओके इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स लिख दो अब इस पॉइंट्स के, सो दिस विल बी 6, 2 एंड दिस विल बी 5 and 1 एंड दिस विल बी 2, -2 एंड देन इस लाइन का जो भी इक्वेशन रहेगा जस्ट राइट दैट इक्वेशन। लाइन को एक्सटेंड कर दो अगेन, यू कैन राइट दैट इक्वेशन x - y is equals to 4. सो ये इक्वेशन है लाइन का एंड दिस विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो इफ यू वांट टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हो। अब ये प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया है तो मुझको रफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रफली इज 4.5 एंड, और यू कैन से 5 and 1 और 4.5 and 1. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4.5 and 1. ये रफ फिगर है, मैंने प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया है इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझको कुछ डेसिमल्स में मिला है, बट जब तुम प्रॉपर्ली ग्राफ पे ड्रॉ करोगे यू विल गेट सम होल नंबर। ओके सिर्फ ये जो हम स्टार्ट में नंबर्स फाइंड करते हैं इस पर डिपेंड करता है, एंड तुम जो नंबर्स अज्यूम करते हो तुमको कोऑर्डिनेट्स उसी पॉइंट पे से मिलेंगे। ओके सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट नंबर्स यू अज्यूम, ओके, बट फाइनल आंसर विल बी द सेम कि सब पॉइंट्स कोलिनियर ही होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी तीनों पॉइंट्स है उससे एक स्ट्रेट लाइन पास होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही है दैट मीन्स कि सम कुछ तो रॉन्ग सॉल्व किया है, सॉल्विंग में कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके सो ऑल द थ्री पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर। नाउ आई जस्ट गिव यू सम सम्स व्हिच यू हैव टू सॉल्व बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। ओके नाउ दीज आर द इक्वेशन जो तुमको ग्राफिकली सॉल्व करने हैं, ये सम्स होमवर्क के लिए है। अब फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सम सेम है जो मैंने सॉल्व किया था अकॉर्डिंग टू दैट, सिर्फ थर्ड एंड फिफ्थ सम में एक चेंज है कि यहाँ पे 2x and 2x दिया है। बाकी जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उसके पहले कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2x 2x। तो सपोज इफ यू आर अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर तुमने x को 1 अज्यूम किया है सो 2 multiplied by 1 ये 2 हो जाएगा। ओके अगर तुम y की वैल्यू अज्यूम कर रहे हो 1, सो दिस 1 पहले ये -1 यहाँ पे आएगा तो +1 हो जाएगा, बट तुमको सिर्फ x चाहिए ना, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिविजन में। अब तुम क्या अज्यूम करते हो उस पर है, बट इसको इजी मेथड सॉल्व करना विल बी अज्यूम द वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। x को अज्यूम करो 1 2 3 नेगेटिव टर्म्स भी अज्यूम कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट, बट मिनिमम 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन 2. जो भी नंबर्स मिलते हैं दैट यू हैव टू प्लॉट ऑन ग्राफ. ओके, सो डू दिस होमवर्क बाय टुडे इटसेल्फ. थैंक यू.